नमस्कार दोस्तों, ईपीएफ मेंबर्स के लिए यहां पर एक अच्छी खबर निकल कर आने वाली है 26 तारीख को, जहां तक आशा करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि ईपीएफ मेंबर्स जो 9.5 साल अपनी सर्विस पूरी कर लेते हैं, उनको पेंशन के रूप में कुछ पैसे मिलने लगते हैं हर महीने जब वो 58 साल की उम्र पार कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी जो मिनिमम पेंशन रुपए है वो है 1000 और मैक्सिमम जो है वो है 7,500 रुपये। तो जो मिनिमम पेंशन है 1000 रुपये वो डबल होने वाली है 2000 रुपये के समथिंग। तो दोस्तों, ये डबल होने के लिए जो भी प्रोसेस हैं उसके बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में, और ये भी जानेंगे इसके साथ ही कि अगर आपको पेंशन कैलकुलेशन नहीं आती है तो किस तरीके से आप पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और किस लिए इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि 1000 से 2000 रुपये हो जाए पेंशन की, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी इंडिया में लगभग 6 करोड़ के लगभग ईपीएफ मेंबर्स हैं, जिसमें से 60 लाख पेंशनर्स हैं, और उसमें से 40 लाख ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन अमाउंट जो है मंथली 1500 से कम है। तो दोस्तों, उन सभी को फायदा हो जाएगा जिनकी जो है 2000 से कम की पेंशन मिलती है, वो 40 लाख पेंशनर्स को, उनको 2000 पर मंथ की पेंशन मिलने लगेगी अगर ये लागू हो जाती है। तो दोस्तों, अभी 25 तारीख को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के कम्युनिटी की बैठक है, उसमें जो है इसको पास होना है। तो अगर मान लीजिए ये पास हो जाता है तो 26 तारीख से ये अनाउंस हो जाएगा कि 1000 से 2000 रुपये कर दी गई है मिनिमम पेंशन अमाउंट। अब दोस्तों, इसमें 40 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा, और अभी भी जो ईपीएफ मेंबर्स हैं जो 9.5 साल कंप्लीट करते जा रहे हैं वो भी आगे के लिए पेंशनर्स में आ जाएंगे, तो उनको भी आगे चलकर फायदा होने वाला है। हालांकि कुछ जो है लेबर कम्युनिटी के ऐसे भी हैं जो लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि मिनिमम जो पेंशन है वो 7000 रुपये की जाए, लेकिन ये तो नामुमकिन है, ये होना मुश्किल है अभी फिलहाल के टाइम में। लेकिन 1000 की जो मिनिमम पेंशन है वो 2000 होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, और इसके पीछे दो बड़े रीजंस हैं। सबसे पहला चीज़, ईपीएफ अपने फंड को जो है जहाँ पर कुछ मीडिया सेंटर्स में इन्वेस्ट करता है उससे इसे अच्छा खासा रिटर्न्स मिल रहा है, और दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट है 2019 में होने वाला इलेक्शन, जिसकी वजह से ईपीएफओ इसे भी लाना चाहता है ताकि वो जो 6 करोड़ ईपीएफ मेंबर्स हैं उनका भी साथ मिले ही मिले जरूर, जिसकी मदद से वो अपनी सरकार फिर से खड़ी कर सकें। तो दोस्तों, ये दो रीजंस हो गए। अब चलिए, मान लीजिए मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन, इससे क्या मतलब है? देखिए, अभी जो सरकार की ईपीएफओ की तरफ से मिनिमम पेंशन है वो है 1000 और मैक्सिमम जो है 7500 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि पेंशन की कैलकुलेशन की एक मेथड है, आपने अगर 9.5 साल कंप्लीट कर ली है और आप पेंशनर हैं तो आपके लिए एक कैलकुलेशन बैठी जाती है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी आपकी अमाउंट बनती है वो अमाउंट आपको पेंशन के रूप में हर महीने मिलने लगती है 58 साल की उम्र के बाद। मान लीजिए आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से 1000 से कम हो रही है जो अभी मिनिमम पेंशन है, 1000 से कम हो रही है 700-800, फिर भी आपको 1000 रुपये मिलेगी क्योंकि इसकी मिनिमम पेंशन जो है वो 1000 रुपये है। लेकिन मान लीजिए आपकी ज़्यादा हो रही है 8000-10000 हो रही है तो भी आपको 7500 रुपये मिलेगी क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पेंशन है वो 7500 रुपये है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं पेंशन की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। तो दरअसल पेंशन की कैलकुलेशन का एक मेथड है एवरेज ऑफ बेसिक सैलरी, या तो फिर आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं एवरेज ऑफ पेंशनेबल अमाउंट या फिर इनकम, उसके बाद मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ सर्विस, जितने आपकी साल की यानी कि नौकरी किए हैं आपने उसे डिवाइड कर दीजिए 70 से। तो दोस्तों, ये इसका मेथड हो गया, यानी कि आपकी बेसिक सैलरी का एक एवरेज निकाल लीजिए, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आपने कितने साल नौकरी की है उससे, और उसको फिर भागित कर दीजिए 70 से, तो आप कितना पेंशन के हकदार बनेंगे, आपको मंथली कितना पेंशन मिलेगा ये आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें एवरेज ऑफ बेसिक सैलरी या तो फिर एवरेज ऑफ पेंशनेबल इनकम, इसे कैसे निकाला जाता है। तो मान लीजिए आप कहीं कंपनी में काम किए हैं तो आपके 10 साल आपने नौकरी किया है तो आखिरी के पाँच साल किए हुए नौकरी के उसकी एवरेज निकाली जाती है कि आपकी बेसिक सैलरी, बेसिक प्लस डीए सैलरी कितनी थी उसकी एवरेज निकाली जाती है। या तो फिर आप इस तरीके से इसे निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके आखिरी के 5 साल में 2 साल आपकी 10000 रुपये थी बेसिक सैलरी, क्योंकि ये बढ़ती रहती है, और आखिरी 3 साल में आपकी 12000 रुपये हो गई। तो पहले इसको ऐसा कर दीजिए 10 गुणित 2 कर दीजिए और प्लस कर दीजिए 12000 गुणित 3, तो ये आप भागित कर दीजिए 5, तो आपकी ये एवरेज ऑफ
पेंशनेबल इनकम आ जाएगी, यानी कि एवरेज ऑफ बेसिक सैलरी। अब उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आपने कितने साल सर्विस की है, मान लीजिए आपने 12 साल की है, 15 साल जो भी की है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसे भागित कर दीजिए 70 से, तो आपकी इस तरीके से जो है कितना पेंशन आपको मिलेगा वो आप पता कर सकते हैं। तो ये है मेथड पेंशन कैलकुलेशन का। तो दोस्तों इस तरीके से अभी अगर मान लीजिए 1000 से 2000 हो जाती है पेंशन मिनिमम जो है, तो वो 40 लाख पेंशनर्स को फायदा सीधे सीधे पहुंचाएगी, जो कि अच्छी बात है। अब ये देखा जाएगा 26 तारीख को ही आने वाले कि इसमें क्या निर्णय लिया जाता है, क्या ये फैसला ठिकाने पर रहता है या फिर नहीं। अगर मान लीजिए ये सही साबित हो जाता है तो हम सबके लिए एक अच्छी खबर है। तो दोस्तों आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।